नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंदिरों के शायद जम्मू में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण आस्था के लिए होगा मील का पत्थर साबित, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माता खीर भवानी के एलईडी चित्र का किया विमोचन। दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों को अब जम्मू कश्मीर में दोबारा करवाना होगा पंजीकृत, आयुक्त सचिव परिवहन विभाग हृदेश कुमार ने दिए आदेश। और डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने अनलॉक प्रक्रिया को लेकर की नई गाइडलाइंस जारी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर निर्माण शुरू होने पर प्रदेश के हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी खुशी है। ये मंदिर सिदड़ा के मजीन में होगा। ये मंदिर जम्मू कश्मीर में धर्म ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना का भी प्रतीक बनेगा। मंदिर का भूमि पूजन रविवार को हो गया। इसमें महज 18 माह में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मंदिरों के शहर जम्मू में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण आस्था के लिए मील का पत्थर होगा। ये मंदिर खुशहाली व तरक्की लाएगा। श्री माता वैष्णो देवी बावे वाली माता रघुनाथ मंदिर के साथ ये मंदिर अहम साबित होगा। तिरुमला तिरुपति बोर्ड मंदिर शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने के लिए मशहूर है। ऐसे में सिदड़ा क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक विकास होना तय है। इससे लोगों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा दिया जाए। श्री माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माता खीर भवानी के एलईडी चित्र का विमोचन करते हुए कश्मीरी समाज को ज्येष्ठ अष्टमी की मुबारकबाद दी और इस महामारी से निजात पाने की भी मां से प्रार्थना की। किरण वातल भी हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि खीर भवानी की एक बड़ी मान्यता है और ये मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन होता है। संजोगवंश इस साल इसकी तारीख 18 जून को है और जैसा हम सब जानते हैं कि देश विदेश से श्रद्धालु उस दिन श्रीनगर पहुँचते हैं और विशेषकर आज के दिन और आज के समय में जब कश्मीरी पंडित समाज का बहुत बड़ा हिस्सा विस्थापित होकर के विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में जाकर के बसा है, उनके लिए एक विशेष महत्व भी है इसमें के द्वारा, जिसके अंतर्गत आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग करते हुए एलईडी ग्लो के रूप में खीर भवानी की एक प्रतिमा है और प्रतिमा के साथ साथ उसमें ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन है और आधुनिक ढंग से अलग अलग मोड्स में उसको ऑपरेट किया जा सकता है। भले आप उसमें भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। यदि आप ऐतिहासिक तौर पर प्राचीन इतिहास से लेकर के अब तक खीर भवानी के पीछे के क्या क्या कथाएं जुड़ी हैं उनसे अपने आप को अवगत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि समस्त आने वाले समय में शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स को भी इससे लाभ पहुँचेगा। जो ये समझना चाहते हों, जो ये अध्ययन करना चाहते हों, ये खोजना चाहते हों कि खीर भवानी का पीछे का इतिहास क्या है, किस प्रकार उसका वास जाकर के श्रीनगर में हुआ, घाटी में हुआ, इसके पीछे की कथाएं बहुत से लोग। इस कार्यक्रम को लेकर सोसाइटी के कन्वीनर किरण वातल ने विस्तार से जानकारी साझा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास जो हमारे मिनिस्टर हैं सेंटर में, उनके हाथों हमने जो माता खीर भवानी की प्रतिमा है एलईडी, इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो अनवील कराया इनके हाथों। और ये जो प्रतिमा है ये जैसा कि आपको पता है पूरा इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एलईडी ग्लो लाइट है और प्लस इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसमें MP3 प्री रिकॉर्डेड माता के भजन है। सबसे पहले माता की कथा है, कथा के बाद सारे भजन हैं और ये 3 घंटे का पैकेज है इसमें। तो ये आज इसलिए हम इसको सारी दुनिया में जो हमारे विस्थापित कश्मीरी पंडित भाई और बाकी जो हिंदू हमारे माता जो जिनकी कुलदेवी है उनके लिए ये बनाई है, सो दैट वो अपने घरों में सुबह अपने पूजा रूम में इसको रख के पूरे अपना कल्चर हेरिटेज जो कश्मीर का है उसके साथ बाज़ाब्ता उसके साथ अपने आप को जोड़ो। श्रीनगर में सौरा इलाके में रविवार की रात अलबद्र के एक आतंकी का शव सड़क किनारे बरामद किया गया। बताते चलें कि आतंकियों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर संघर्ष हुआ। इसमें एक गुट ने अलबद्र के
सी कैटेगरी के आतंकी आमिर अहमद मलिक की हत्या कर दी। शोपियां के हैदरगुंड जैनापुरा निवासी आमिर नवंबर 2020 में सक्रिय था। आईजी विजय कुमार ने आतंकी का शव पाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों को अब जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। वाहन मालिकों को अपने गृह जिलों में वाहनों का पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग ने साफ किया कि पंजीकरण न कराने पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त सचिव परिवहन विभाग हृदेश कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली से खरीदे गए पुराने वाहनों का बिना पंजीकरण प्रदेश में परिचालन से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये वाहन मालिक टोकन टैक्स रोड टैक्स के भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो जेके मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1957 के तहत आवश्यक है। ऐसे वाहनों का आतंकी हमलों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन का उनके मालिक को अपने गृह जिले में आरटीओ व एआरटीओ के पास पंजीकरण करवाना होगा। कभी सड़क हादसे तो कभी आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में सड़कें खून से लाल होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अस्पतालों में जब घायलों को लाया जाता है तो उन्हें खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे में निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वाले लोग इन घायलों की जिंदगी को बचाने का काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार रक्तदान कर चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं जम्मू के भोर पिंड के रहने वाले जितेंद्र सिंह। वह ना सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि अपने दोस्तों संग कई जरूरतमंद मरीजों के लिए खून का प्रबंध कर उनकी जिंदगी को बचाने का प्रयास करते हैं। अनलॉक प्रक्रिया में प्रदेश स्तर पर केवल 8 जिलों में ही कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति मिली है। इन 8 जिलों में हालांकि जम्मू शामिल नहीं था, लेकिन जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने अपने स्तर पर कोविड गाइडलाइंस में कुछ संशोधन करते हुए व्यापारियों को कुछ राहत दी है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की ओर से रविवार देर रात नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके अनुसार अब सप्ताह में शुक्रवार ऐसा दिन होगा जब एक साथ सभी दुकानें खुल सकेंगी। शेष सप्ताह दुकानों को दो हिस्सों में बांटा गया है और दुकानें रोटेशन पर खुलेंगी। इसके साथ ही अब बाजार शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे खुले रहेंगे। इसके अलावा जम्मू ज़िले में सभी थोक दुकानों को सप्ताह में 4 दिन खोलने की अनुमति दी गई है। इससे सबसे अधिक राहत वेयर हाउस नेहरू मार्केट को मिलेगी, जो अभी तक केवल 3 दिन तक खुल रहा था और इससे क्षेत्र में काफ़ी भीड़ हो रही थी। जम्मू कश्मीर दरमार ट्रस्ट के प्रधान अजय गंडोत्रा ने कहा कि श्रीनगर में लगने वाले खीर भवानी मेले की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये मेला श्रीनगर में 18 जून को लगेगा। उन्होंने कहा कि अलबत्ता कोविड-19 हालात को देखते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन अंतिम निर्णय लेगा। 4 दिन के दौरे के बाद धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने ये बयान जारी किया। गंडोत्रा ने कहा कि भद्रवाह कस्बे के दौरे के बाद वे श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में ट्रस्ट के क्षेत्रीय कार्यालयों में उन्होंने खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया, इस बारे में कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान घाटी के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास पर भी चर्चा हुई। 24 जून यानी वीरवार को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चमलियाल मेले तथा 18 जुलाई रविवार को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के सिद्ध गोरिया वार्षिक मेले के आयोजनों पर अभी संशय बरकरार है। मौजूदा समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव भले ही कम हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी इन सभी ऐतिहासिक मेलों के आयोजन की तैयारियों पर कोई विचार नहीं किया। जहां तक प्रशासनिक नीतियों का सवाल है तो ये साफ है कि अगर इन ऐतिहासिक मेलों का आयोजन हुआ तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, जिसे नियंत्रण में करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मेला प्रबंधन द्वारा पहले ही इसे आयोजन का अंतिम निर्णय प्रशासनिक आदेश पर निर्भर रखा गया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के 122वें जन्मदिवस के मौके पर BJP द्वारा राजेंद्र पार्क केनाल रोड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के साहसपूर्ण कार्यों को याद किया गया। आज के दिन ब्रिगेडियर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम POJK पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हम वापस लेंगे। 370 और 35 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अगला हमारा लक्ष्य है वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना है। हमने अपने लोगों को, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देश के किसी, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, वो अपनी जमीन, अपने बाग, अपने
कलाकारों ने आज कल्चर अकादमी में सत्संग के माध्यम से रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कल्चर अकादमी द्वारा आर्टिस्टों को लेकर भेदभाव किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान आर्टिस्टों को कुछ पैसे दिए गए, उसमें भी भेदभाव किया गया। कुछ आर्टिस्टों को अधिक पैसे दिए गए, कुछ को कम, और कुछ को दिए ही नहीं गए। लेकिन अब कल्चर अकादमी वालों का ये कहना है कि उन्हीं को पैसे दिए जाएंगे जो सबूत लेकर आएगा। इसी को लेकर कलाकारों में भारी रोष देखने को मिला। कोई ना कोई मदद कर देंगे भैया। जब आप प्रोग्राम देते हो, हमें कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जाता, कोई लेटर नहीं दिया जाता कि आपको यहाँ बुक किया जाता है। तो सबूत तो सभी आप लोगों के पास पड़े हैं, तो फिर वो सबूत कहाँ से लाएंगे? एक कलाकार हमारे पास आया, उसने पूरी ज़िंदगी प्रोग्राम किए, कल्चर अकेडमी के भी किए, सांगा ड्रामा डिवीज़न के भी किए हैं। हर की पौड़ी तीर्थ परिसर के ब्रह्मलीन स्वामी चिंदानंद जी महाराज गद्दी नशी का 40वां दिन आज 14 जून 2021 को मनाया गया। स्वामी चिंतानंद जी महाराज द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों का प्रदर्शन महंत महादेव सरस्वती महाराज द्वारा किया गया। ये निर्णय भक्तों, स्वामी जी और संगत के अनुयायियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अच्छा बनना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिलग्रम हैं वो जहाँ से आ सकें। तो आज हमें इस बात का दुख भी है कि हमारे जो चिदानंद जी महाराज आज से 40 दिन पहले समाधि ली और यहीं पर उनको समाधि दी गई थी, तो आज उनको उनकी जगह जो महादेव जी सरस्वती उनको महंत जहां पर नियुक्त किया गया है, उनकी जगह गद्दी नीचे जहां पर कोई मालिक नहीं है, जहां पर एक पैसा देने वाला भी और 10 लाख देने वाला भी बराबर है, ये पूरी संगत की जम्मू वासियों। आत्महत्या का एक बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया। आज एक लड़की ने तवी ब्रिज से छलांग लगा ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल पहुंचाया। हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि बार बार मीडिया द्वारा भी ये कहा जाता है और हर किसी द्वारा इस बात को बिल्कुल सामने लाया जाता है कि तवी ब्रिज पर फेंसिंग कराई जाए, लेकिन शायद विभाग आंखें मूंदे सोया हुआ है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।